26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो संख्या मान लोगे कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। तो यहाँ सपोजिशन करेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, या पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम शर्त से क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हो तो कितना मिला है 26। इसको मान लीजिए समीकरण एक। अब दूसरे शर्तानुसार क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, तीन। ये कौन सा शर्त से हुआ, द्वितीय द्वितीय शर्त से, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से तीन गुनी है, तीन गुनी मतलब उसका थ्री टाइम्स है। तो अब एक ये हो गया समीकरण दो। अब एक्स का मान किस में रख देंगे, समीकरण एक में लिखेंगे एक्स का मान समीकरण रखने पर, एक में रखेंगे तो क्या होगा, 3y माइनस y इक्वल टू 26 इंप्लाइज दैट, घटेगा तो 2y इक्वल टू कितना 26 इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 26 बाई 2 इक्वल टू 30। y का मान क्या आ गया 30। अब क्या लिखेंगे, y का मान किसी में रख दो, हम दो में रखते रहे, समीकरण दो में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 कितना y का वैल्यू 30। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 39। हमारा आंसर क्या आया, x बराबर 39 और y बराबर 30। चेक कर लीजिए, यहाँ मान रखोगे तो 39 में से 13 जाएगा, 26 आएगा, तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आया ना, आप नोट कर लो। यह क्वेश्चन 3 का यूनिट 4 है, जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, दो चीज पूछा है। जबकि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो इसमें दो तरह का भाड़ा है, एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा का मतलब क्या हुआ, आप 1 किलोमीटर चलोगे तो भी लगेगा और 10 किलोमीटर चलोगे तो भी लगेगा। तो हमने मान लिया यहाँ, माना नियत भाड़ा यानी जो फिक्स भाड़ा है वो ₹1 है और किराया ₹y प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। यानी 1 किलोमीटर का कितना पैसा खर्च हो रहा है, वाई रुपया। अब देखो पहले वो कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना, वो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर पहले शर्त में। तो एक्स तो नियत भाड़ा लगेगा, ठीक है ना, और 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y, और इस टोटल कितना रुपया दे रहा है 105। समीकरण एक। इसी तरह क्या बोला है दूसरे शब्द में कि 15 किलोमीटर के लिए, तो इसमें भी नियत भाड़ा तो वही लगेगा और 15 किलोमीटर लिया है तो 15y लगेगा बराबर वह ₹155 दिया, इक्वेशन दो। अब इसको पहले xy का मान निकाल लीजिए, देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ हम विलोपन विधि लगा दे रहे हैं, विलोपन विधि में क्या है, बराबर है तो हटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, x में से x गया
खत्म, ये कितना हुआ माइनस फाइव हुआ, हाँ ये माइनस पचास, ठीक है ना। वाई बराबर माइनस पचास बटा माइनस पांच बराबर कितना, दस। हमारा एक किराया निकल गया कि एक किलोमीटर का दस रुपया लग रहा है। अब इसका मान रख दो किसी समीकरण में, y का मान समीकरण एक में रखने पर जब रखोगे तो क्या होगा, x दस दस एक सौ पांच, एक्स बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5। ये 5 रुपया क्या है, नियत किराया। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आगे क्या बोल रहा है। तो ये तो दो आंसर आ गया आपका, ये क्या आ गया किराया और ये क्या आ गया नियत किराया, ये भी आंसर है। और फिर तीसरा पूछा है 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना पैसा देना होगा। देखो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल किराया, पहले इसको समीकरण बनाओ, ये नियत किराया इसको भी देना पड़ेगा तो x और 1 किलोमीटर का y तो 25 किलोमीटर का 25 y, और इसमें जो आपने मान फाइंड किया है x का वैल्यू कितना लिए हो 5 प्लस 25 और y का मान 10, तो 5 और 25 10 जा 250, तो इस तरह कितना हो गया 255 रुपीस, यही हमारा आंसर है। देखो मैं एक बार पुनः समझा रहा हूँ, इसमें करना क्या है, दो तरह के किराए हैं, एक फिक्स किराया है जिसको नियत नाम दिया है, वो आप 1 किलोमीटर जाओ या 1000 किलोमीटर जाओ वो तो आपको देना ही है। तो ये हमारा नियत भाड़ा 100 रुपया हो गया, और जो किराया जाने का है अगर वाई 1 किलोमीटर जा रहा है तो वाई